नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल एक बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है आज के दौर में, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो। सर्वाइकल की समस्या एक कॉमन समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, आज वीडियो में सर्वाइकल के बारे में चर्चा करेंगे, क्या इसके लक्षण हैं, सर्वाइकल क्यों होता है, कहां पर होता है और इसका इलाज क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे पेज या चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम इसी तरह की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवाते रहते हैं। तो चलिए, सर्वाइकल होता क्या है। रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ गर्दन के बिल्कुल बैक साइड में जो वर्टिब्रा होती है, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 यानी 33 वर्टिब्रा होती है, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर की तरफ गर्दन के बिल्कुल बैक साइड में जो 7 वर्टिब्रा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 जो वर्टिब्रा है, अगर इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या डिस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है हड्डियां, और उसके बीच में एक इंटरनल वर्टिब्रा यानी जिसको डिस का नाम दिया गया है, यानी एक कार्टिलेज की एक मोटी गद्दी, आम भाषा में आपको बता देते हैं, जैसे गाड़ी में सोकर कार्य करता है। सोकर क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पर कोई गड्ढा आ गया है तो गाड़ी को यानी दिक्कत नहीं आने देता है, यानी पंप करती है गाड़ी, तो उसी प्रकार हमारी डिस्क कार्य करती है। अगर हमें गर्दन पर कोई झटका लगा या मूवमेंट जैसे कर रहे हैं तो मूवमेंट देने का कार्य करती है डिस्क। अगर उस डिस्क में कोई भी कंप्रेशन यानी दबाव ज़्यादा गिर जाता है, या सिर पर कोई वजन उठा लेते हैं, या फिर आप कोई झटका वगैरह लग जाता है, या फिर आप गलत पोस्चर में लगातार ऐसे या किसी प्रकार गर्दन में सोते रहते हैं, भारी तकिया लगा लेते हैं, या फिर काफ़ी देर तक अगर हम मोबाइल देखते रहते हैं एक ही पोजीशन में, या फिर टीवी देखते रहते हैं ऊपर की तरफ देखकर, या ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, या ज़्यादा आपका वर्किंग कंप्यूटर लैपटॉप पर होता है, तो क्या होता है, हमारे मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कंप्रेशन दबाव आना शुरू हो जाता है, और उस दबाव के कारण जो हमारी जकड़न होती है गर्दन के दोनों तरफ होती है, गर्दन के बिल्कुल बैक साइड होती है, और इसके कारण हमें दिक्कत क्या क्या आती है। सबसे पहले जकड़न होती है, दबाव आता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, सिर में दर्द आता है, चक्कर भी आने लग जाते हैं, आधे सिर में दर्द होता है, आंखें भारी हो जाती है, आंखें के ऊपर भौहें भारी हो जाती है, कनपटिया कई बार हमारी फटने लगती है, कई बार चक्कर, घबराहट, उल्टियां तक हो जाती है। तो दोस्तों, सर्वाइकल जो 7 वर्टिब्रा के अंदर होती है उसी को ही सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोला जाता है। अगर यही प्रॉब्लम हमारे लोअर बैक में लंबर रीजन में होती है तो उसको सियाटिका बोला जाता है, सियाटिका यानी लंबर स्पोंडिलाइटिस, और अगर ऊपर होती है तो इसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोला जाता है। अब दोस्तों, इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, सबसे पहले तो बताता हूं, आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेट में कब्ज रहती है, गैस बनती है, अफारा आता है, तो आपको सर्वाइकल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायु होती है पेट में वो प्रेशर करती है, और प्रेशर करने से हमारे सिर में दर्द होगा, गर्दन में स्टिफनेस आएगी, यानी जकड़न पैदा होगी। तो सबसे पहला कार्य है पेट में गैस कब्ज बिल्कुल भी ना होने दे। उसके लिए क्या करें, सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करें, लिक्विड ज़्यादा लें, अगर फिर भी आपको कब्ज ज़्यादा रहती है तो आप त्रिफला रस या त्रिफला पाउडर का सेवन कर सकते हो, जिससे आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ होगा। दूसरी बात, हम एक्सरसाइज करके भी सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं विदाउट किसी मेडिसिन के। तो कैसे करेंगे, चलिए कुछ एक्सरसाइज आपको बताते हैं। आपको सुबह शाम ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैं बैठा हूँ इस प्रकार आपको बैठना है। सबसे पहले हाथों की एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि कंधों की शोल्डर की मूवमेंट करेंगे तो हमारे सर्वाइकल जो एरिया है वो हमारा नरम होगा, जकड़न खत्म होगी और वहाँ पर मूवमेंट अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार कंधे के समानांतर बिल्कुल पैरेलल रखना है,
और हाथों की उंगलियों की, कई बार सर्वाइकल के कारण क्या होता है कि हमारी हाथों की वेन प्रेस हो जाती है और हाथों में सूनापन, उंगली, अंगूठा सुन हो जाता है, हाथों में नमनेस आने शुरू हो जाती है, दर्द होने शुरू होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे हाथ करके टाइट उंगली करते, जैसे किसी लोटे को हम पकड़ रहे हैं, उसी प्रकार उंगलियों के मूवमेंट को इस प्रकार करेंगे। ये इससे क्या होगा, जो हमारे छोटे ज्वाइंटों में दर्द होता है, जो कई बार यश बोन आगे पीछे गर्दन करते हैं तब दर्द होता है, साइड में करते हैं तब भी दर्द होता है, यश बोन नो बोन सर्वाइकल होता है, तो वो इससे हाथों में सूनापन नहीं आएगा, हाथों में दर्द नहीं होगा, हाथ हमारे पावर में रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो दूसरा, पूरी मुट्ठियां ओपन क्लोज, ये बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम है जिससे हम सर्वाइकल, एक बहुत ही बड़ी बीमारी जो माना जाता है, बाकी इतनी बड़ी बीमारी है नहीं, कुछ लोग मानते हैं इसको, तो हम इसको विदाउट किसी मेडिसिन, विदाउट किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, लेकिन करना आपको एक्सरसाइज पड़ेगी। ये दूसरी मुट्ठी बंद करो। तीसरी, हमें हथेलियों को ऊपर नीचे करना है, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों में हल्का हल्का पेन होगा तो आपको पेन होने देना है, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है। साइड में हाथों में सूनापन आए, हाथ कमजोर हो, हाथ जल्दी थक जाते हो, ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए। दोनों मुट्ठियों को, रिस्ट जो कलाई है उसको रोटेशन देनी है। पहले दिन से ही आपको सर्वाइकल के दर्द में, सर्वाइकल में जकड़न में, नेक पेन में, पहले दिन से आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ घुमाएंगे, फिर हाथों को कंधे के ऊपर, बिल्कुल छोटी छोटी एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 मिनट आपको करने में लगेंगे, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। अगर आप इसको करते हो तो एक हफ्ते के अंदर आप 50-60% सर्वाइकल को क्योर कर सकते हो इन एक्सरसाइज के द्वारा। फिर साइड से कंधों की एक्सरसाइज भी साथ में करनी है, गर्दन की तो करनी करनी है, साथ में कंधों और हाथों की एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। ये अभी दोनों हाथों को कंधे पर रख करके शोल्डर को मूवमेंट देनी पीछे की तरफ, दोनों बराबर अवस्था में इस प्रकार से। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार इस एक्सरसाइज को करना है। अगर आप 1 मिनट कर सकते हो 1 मिनट करनी है, आधा मिनट करो तो आधा मिनट से शुरुआत करनी है, बाद में आप टाइम बढ़ाते जाएंगे। फिर आगे की तरफ इस प्रकार से, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है आपको। फिर दोनों कोहनियों को मिलाते हुए पीछे की तरफ, आज आपको पूरा पैकेज बता रहे हैं सर्वाइकल का ट्रीटमेंट का। फिर पीछे से आगे की तरफ, पहले दिन से ही आपको सर्वाइकल में रिलीफ मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप करते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। ये अभी दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, कंधों को ऊपर की तरफ इस प्रकार से मूवमेंट देनी है आगे की तरफ से। जो महिलाएं, जो पुरुष ज़्यादा टेंशन करते हैं, उनको क्या होता है, गर्दन के दोनों तरफ इधर हल्की सी स्टिफनेस, यानी मसल्स टाइट हो जाती है दोनों तरफ। यहाँ पर देखना, ज़्यादा महिला जो टेंशन करती है, जो पुरुष ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन हो, तो यहाँ पर उनको दोनों तरफ स्टिफनेस, टाइटनेस आ जाती है। आप उसको दबा कर देख सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटने पर के, कंधों को ऊपर की तरफ रोटेशन देना है, सबसे बेस्ट है। ये थी हाथों की एक्सरसाइज। इसमें अभी एक और है, अगर किसी के हाथ ज्यादा सुन रहते हो तो उनको दोनों हाथ खोलने इस प्रकार से, पूरा खोलना पीछे ले जाके और तालियां बजानी है। ये
पूरे हाथ खोल के, ये हमारे हाथों में कोरस्पोंडेंस पॉइंट होते हैं, सुजोक थेरेपी एक्यूप्रेशर में पॉइंट होते हैं, वो प्रेस होंगे और प्रेस होने से जो एनर्जी पॉइंट जो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे हाथों में जो सुनपन है पूरी बॉडी एनर्जी हो जाएगी ताली बजाने से। तो आप साथ में ताली का भी इस प्रकार से बजाना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होंगे और पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक हो जाएगी। ये थी हाथों की एक्सरसाइज। अभी गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले गर्दन को आगे की तरफ मूव करना है। कैसे मूव करेंगे, श्वास को खाली करेंगे और गर्दन को आगे की तरफ मूव करेंगे इस प्रकार से। देखिए जो हमारी चिन है बिल्कुल गले से लगा लेनी है। जब हम आगे की तरफ गर्दन करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा खिंचाव होगा, जो खिंचाव होगा वो खिंचाव हमें पैदा करना है और कुछ देर होल्ड करके रखना इस प्रकार से। फिर श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे लेके जाना, आसमान की तरफ देखना है। जो हमारी चिन है थोड़ी है वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। फिर आगे पीछे, आगे पीछे, ये भी आप अपनी क्षमता के अनुसार करना है, 10 बार 15 बार, मैं आपको 2-2, 3-3 करके ही बता रहा हूं। फिर साइड से ये अपनी जो ठोड़ी को कंधे पर लगाना है इस प्रकार से, कुछ देर रोक के रखना है। इस साइड मूव करेंगे तो यहां पर हमें हल्का सा पेन महसूस होगा, टाइटनेस महसूस होगी को, तो कुछ देर तक हमें होल्ड रखना है। फिर दूसरी साइड ये इसी प्रकार, ये दो एक्सरसाइज गर्दन की होगी। अभी तीसरी एक्सरसाइज, अपने कान को कंधे पर लगाना है इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल कंधे को नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन को मूव करना है और नीचे तक लेकर जाना है। जब हम गर्दन को झुकाएंगे कमर हमारी सीधी रहेगी और दूसरी तरफ गर्दन के अपोजिट साइड हल्का सा खिंचाव आएगा। खिंचाव जो होगा वही हमारे सर्वाइकल के पेन को, जकड़न को ठीक करेगा। फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार, आप इसको 4-5-10 बार कर सकते हो, मैं आपको 3-4 बार करके ही दिखा रहा हूँ। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन आपको बिल्कुल लाइटली करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको इसको टाइम बढ़ा सकते हो, 10 बार 15 बार 20 बार इसको आप कर सकते हो। पहले दिन से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में रिलीफ आपको मिलेगा जी। अभी तीन एक्सरसाइज हुई, चौथी एक्सरसाइज क्या है, क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है इस प्रकार। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे, अगर आपको चक्कर की समस्या है, अगर आपको चक्कर आते तो आंखें खोल लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे दीवार का सहारा या चेयर पर बैठकर आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। काफी महिलाओं को पुरुषों को सर्वाइकल में चक्कर आते हैं, जिनको सोते वक्त चक्कर आते वो भी इस एक्सरसाइज को डेली करें जी। दूसरी साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस मूवमेंट को देना है गर्दन की। ये वाला सिर को दबा भी सकते हो इस प्रकार से, सिर में दर्द रहता तो अपोजिट प्रेशर देके दूसरी साइड से पीछे इसकी तरफ इंटरलॉक लगा करके आगे की तरफ 4-5 बार भी इसको दबा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट जो आपको बताया है। अगर आप इसको सुबह शाम करते हैं तो पहले दिन से आपको आराम होना शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर 50-60% या 70% आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको गर्दन में ज़्यादा जकड़न रहती है तो कोई भी पेन किलर ऑयल लिए आयुर्वेदिक और हल्की सी मसाज कीजिए गर्दन के पीछे की तरफ। कोई भी पेन किलर ऑयल ले लिए आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर ज़्यादा स्टिफनेस ज़्यादा पेन रहता है तो ऑयल की मसाज कीजिए हल्के हाथों से,
तो आपकी गर्दन की जकड़न जो खत्म हो जाएगी और सर्वाइकल जो पेन हो जाता है उसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सब जो वीडियो में बताया गया सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के संदर्भ में वो आपको समझ में आया होगा और आप इससे लाभ जरूर उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज आयुर्वेदिक उपचार को फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।